कानून का उल्लंघन किया है आप? या ये तो उनसे न पूछेगा हमने कानून का क्या उल्लंघन किया, उनसे न पूछेगा क्या कहेंगे कि रवैया जो सेवा करने का नतीजा है। नीतीश कुमार की ज्यादती, जुल्म, अत्याचार की जिसको गिरफ्तार करना चाहिए, इनका कहा गया नहीं जन फंसाएंगे नहीं बचाएंगे नहीं, जिसको जिसको बचाना चाहिए आईना दिखा रहे हैं फंसा रहे हैं। हटाओ यार, हटाओ। सरकार जबरदस्ती आवाज को दबा रही है और हम आवाज दबने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। सेवा करने का ये नतीजा है, पूरी बिहार की जनता देख रही है, पूरी बिहार की जनता साथ में है। आदरणीय दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। अभी अभी जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सन्न कर देगी। जो व्यक्ति हमेशा बिहार के हर लोगों के साथ सुख हो दुख हो तमाम जगहों पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहता है, उसको आज सरकार की निरंकुशता ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी हां, मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूं, पूर्व सांसद मधेपुरा। ये वही पप्पू यादव हैं, जब जलमग्न हुआ था पटना तब भी एक बोतल लेकर के भी लोगों के पास शुद्ध पानी लेकर के पहुंचने वाला व्यक्ति था। किसी के घरों में आग लग जाए तो पप्पू यादव। आज कोरोना की विभीषिका में तमाम जगहों पर जाकर के सरकार की पोल खोल करके रख देने वाले इस पप्पू यादव, इस महायोद्धा, इस राजनीतिक महायोद्धा को राजनीति ही शिकार कर रही है। जी हां, बिल्कुल ये राजनीतिक शिकार किया गया है पप्पू यादव का, और ये कायरतापूर्ण कार्रवाई सुशासन की सरकार के द्वारा किया गया है। आप अब इसे बेहतर समझ पाएंगे आप इस तरीके से अगर समझे कि हम राजा हैं, हमारी प्रजा मर रही है तो मर रही है, कोई उसकी आवाज क्यों उठा रहा है? अगर उसकी आवाज उठाएगा तो उसे जेल की सलाखों में हम ठूस देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है तो सरकार को गिरफ्तारी का कारण भी बताना चाहिए था। अगर गिरफ्तारी का कारण नहीं बता रही है तो ये डरी सहमी हुई सरकार पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप तमाम बिहारवासी ऐसी डरी सहमी सरकार पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? दोस्तों ये आप मानना, ये तो मानना पड़ेगा कि ये निश्चित तौर पे राजनीतिक जो दशा निकल के आई है सामने वो राजनीतिक है, और राजनीति के तहत पप्पू यादव को क्रश किया जा रहा है। आप यूं कहिए कि बिहार के उन दुखी, उन गरीब, उन लाचार, उन परिस्थिति बस को झेलने वाले लोगों की आवाज को दबाने की ये कोशिश है। बिहारवासी जहां एक ऑक्सीजन के लिए, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, एक दवा के लिए, एक बेड के लिए, एक वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे हैं, वहां अगर पप्पू यादव जाकर के उन्हें उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, और व्यवस्था के बाद क्या कहा आप इंस्पेक्टर साहब से, डीएसपी साहब से स्थिति को पटल पर ला रहे हैं उनकी गिरफ्तारी, ये निरंकुशता नहीं और क्या है? इनसे पीछे क्या है, क्यों कारण है? राजीव प्रताप रूडी मेन कील यहीं से है दोस्तों, तकलीफ सरकार को यहीं से हुई है, और इस नीतीश कुमार के सूखे हृदय में, सूखी छाती में खंजर डालने का जो काम हुआ वो खंजर सारण की धरती से 40 एम्बुलेंस को दिखाने के बाद हुआ है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव जो सेवा के मंत्र की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता वो भी कुछ नहीं बोलेंगे इस तरीके की बात पर,
बोलेंगे तो उनकी बोली में भी एक पॉलिसी होगी। और सच तो यह है कि देश के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति का रो नहीं पता है, सच्चाई यही है। ये लोग गंदे मानसिकता वाले राजनीति करते हैं, ये गंदी मानसिकता के साथ गद्दी पर आसीन है दोस्तों। और ऐसे लोग जो आपको एक वेंटिलेटर नहीं दे सकते, आपकी सांस की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो आज आपके मसीहा को, दुखियों के मसीहा को, विषम परिस्थिति में खड़ा होने वाला वो भारी भरकम शरीर लेकर के दिन रात एक किए हुए व्यक्ति को बगैर किसी कारण बताए आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे आप से पूछे ना तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है, हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिए। आप हटे, आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुंचाइए, जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। आप उसमें क्या डॉक्टर साहब, से कहा